जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने लोकप्रिय चैनल टीआर न्यूज़ में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गर्जर ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा से अगर आप रोज़ाना खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ टीआर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी हाँ, क्या है बड़ी खबर, हम आपको लिए चलते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, शिक्षा मंत्री ने दिए फिर से स्कूल बंद करने के संकेत, बोले बच्चों को जान से खतरे में नहीं डालना है। जी हाँ, 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को निर्धारित SPO के तहत खोल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, जिसके चलते अभिभावक कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दोबारा बंद करने के संकेत दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद शुक्रवार से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित SPO के तहत खोल दिया था, लेकिन कई महीनों से बंद पड़े स्कूल के कमरे खुले दिखाई दिए, लेकिन 3 दिन बाद भी स्कूलों में बच्चों की रौनक नहीं दिखाई दी। अभिभावक असमंजस में फंसे हुए हैं कि वह अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या ना भेजें, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई जाने के बाद अभिभावक आशंकाओं से घिरे हुए हैं। जी हां दोस्तों, अब शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गर्जर ने कहा, डॉक्टरों की गाइडलाइन के मुताबिक हमने स्कूलों को खोला है, यदि फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो विचार विमर्श करके स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, हम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको मिलते हैं ऐसे ही हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर को लेकर के। तब तक टीआर न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हां, जय हिंद, जय भारत।